नमस्कार, आज मैं आपसे रेडिएशन के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। रेडिएशन के साइड इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कि वो जो आपको रेडिएशन करते समय महसूस हो, और दूसरे वो होते हैं जो बहुत लेट आते हैं। लेट मतलब वो 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर बाद भी आ सकते हैं। जो शुरू में आते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट, और जो देर से आते हैं उनको बोलते हैं लेट साइड इफेक्ट। जो एक्यूट साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको, लेट साइड इफेक्ट्स दोनों को ही समझना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं तो समझें कि वो साइड इफेक्ट क्या होंगे जब हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और वो क्या होंगे जो बाद में भी आ सकते हैं। अच्छे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और साइड इफेक्ट इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि हमारे शरीर के किस हिस्से का रेडिएशन हो रहा है। जिस हिस्से का रेडिएशन हो रहा हो, साइड इफेक्ट हो रहा हो, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जो साइड इफेक्ट होते हैं वेरी करते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि पेशेंट का जो एज है वो क्या है, उसको साथ में क्या क्या और बीमारियां हैं उस पर डिपेंड करते हैं। उस पर डिपेंड करते हैं कि साथ में कोई अलग दवाई, कीमोथेरेपी या फिर कोई इम्यूनोथेरेपी तो नहीं चल रही है। और इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि शरीर के किस हिस्से के होने के साथ साथ कितने दिन का रेडिएशन किया जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है, और किस टेक्निक से किया जा रहा है। क्योंकि आजकल जो टेक्निक आई है उससे ये भी फ़ायदा है कि साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं।